गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूजा वर्मा आपको कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। कंप्यूटर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी, क्लास है 4th। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी इंट्रोडक्शन, यानी कि मेमोरी का इंट्रोडक्शन देना। मेमोरी क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि मेमोरी क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं उसको स्मृति, यानी कि जो हमारी याददाश्त, जो हमारे दिमाग होता है उसमें माइंड होता है, बुद्धि होती है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, मेमोरी। जैसे हमारे दिमाग की, मनुष्य की मेमोरी होती है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। As the word implies, memory means the place where we have to store anything. We store everything in our brain. Memory is very essential part of human beings. Memory is also very important for computer system because in computer system we have to store some data or information, and for storing these items we need some memory or space. A computer memory is divided into different storage location. Each storage location has a unique address. यानी कि हम क्या कह सकते हैं मेमोरी को, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है हम उसके अंदर ही सारा डेटा एकत्रित करते हैं। पढ़ते हैं हम इसकी हिंदी। जैसे कि परिचय है दिया गया है मेमोरी का, अर्थ के बारे में बताया गया है, वह स्थान जहाँ हमें किसी भी चीज को संग्रहित करना होता है। संग्रहित मतलब स्टोर करना होता है। वी स्टोर एवरीथिंग इन आवर ब्रेन, जैसे कि ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपने स्टोर कहाँ करते हैं, ब्रेन में करते हैं, दिमाग में अपनी हर चीज को स्टोर कर लेते हैं। मेमोरी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य जो मेमोरी होती है वो मनुष्य का वो एक आवश्यक अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है। मेमोरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर के लिए मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू स्टोर सम डाटा और इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर की कंप्यूटर में जो स्टोरेज क्षमता होती है वो इतनी होती है कि हम उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, हम उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, आइटम्स को, बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें एकत्रित कर सकते हैं। ए कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है विभिन्न स्टोरेज स्थानों में विभाजित किया गया है। ईच स्टोरेज लोकेशन हैज ए यूनिक एड्रेस, और सभी का एक एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका डाटा स्टोर इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 बेसिस प्रोसेस, इसके 3 बेसिक प्रोसेस हैं, तरीके होते हैं स्टोर करने के। फर्स्ट यानी कि पहला कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो कैसे हम इसको स्टोर करते हैं। डाटा इज कन्वर्ट इनटू सिंपल नंबर दैट आर इजी फॉर कंप्यूटर टू स्टोर। पहला जो होता है वो नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से उसको हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सेकंड डाटा कौन सा होता है, सेकंड द नंबर आर रिकॉर्डेड बाय हार्डवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। सेकंड वो होता है जो कंप्यूटर में अंदर हार्डवेयर में हम स्टोर करते हैं। थर्ड द नंबर आर ऑर्गेनाइज मूव्ड टू टेम्परेरी स्टोरेज एंड मैनिपुलेटेड बाय प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। जो थर्ड होता है डाटा वो हमारा होता है नंबर सिस्टम को हम टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम टेम्परेरी तरीके से कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। एवरी पीसेज ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज स्टोर एज ए नंबर बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस। देखिए, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कंप्यूटर की, मनुष्य की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, हम
सिर्फ कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरो एंड वन बाइनरी, हम जो भाषा बोलते हैं वो कंप्यूटर भाषा नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अपनी बाइनरी बाइनरी कोड की भाषा समझता है, जिसको हम ज़ीरो और वन के माध्यम से इसको डिकोड करते हैं। Therefore, everything that is entered into the computer is first converted into a combination of zero and one. Zero and one को बाइनरी अंक के रूप में जाना, जो ये जीरो और वन है इसको हम किसके रूप में जाने जाते हैं? बाइनरी डिजिट के रूप में जाना जाता है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज जीरो ऑक्यूपाइज वन बाइट एंड वन आल्सो ऑक्यूपाइड वन बाइट। जीरो को हम किस रूप में देखते हैं? वन बाइट के रूप में, और वन को भी वन बाइट के रूप में देखा जाता है। यानी कि ज़ीरो और वन को हम किसके रूप में देखते हैं? वन बाइट के रूप में। अब बाइट क्या है बताते हैं। बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बाइट क्या है? हमारा सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। ए सेट ऑफ एट बिट्स कॉल्ड ए बाइट। ये बिट्स है, बिट यानी कि एट बिट्स मिलकर एक क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं। इसके बाइट्स के बारे में इसके डिटेल में बताऊंगी। बाइट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। यानी कि बाइट्स मेमोरी की मात्रा है जो कंप्यूटर की मेमोरी में किसी एक वर्ण को संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हम कुछ जो संग्रहित करते हैं ना उसमें, तो वो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देयर आर अदर बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी, कुछ अन्य मेमोरी को मापने की अन्य बड़ी इकाइयाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, इतना मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको, इससे आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए रीडिंग में, तो आप मुझसे स्कूल में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये मैंने चैप्टर आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, आपके पास अगर वीडियो पहले की पढ़े हो तो उनको देखने के बाद ये वीडियो फिर ज़रूर देखें, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।